The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Okay. So, angioplasty एक procedure है, एक operation है, जिसमें के अगर कोई खून की नस बंद है, एक narrowed, blocked खून की नस को जो blood supply नहीं कर पा रही है आपके दिल को या किसी हिस्से को, उसको supply शुरू करने के लिए खोला जाता है, उस procedure को बोला जाता है angioplasty. इन खून में heart में जाने वाली जो खून की नसें हैं उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज. तो कोरोनरी आर्टरीज जब ब्लॉक हो जाती है तो उनमें कुछ ऐसे प्लाक डिपॉजिट होके ब्लॉक हो जाता है और ऐसी नॉर्मल आर्टरी होती है लेकिन नॉर्मल की जगह ब्लॉकेज आ जाती है, तो उसमें फिर उनकी अटैक आने का रिस्क होता है. कई बार अटैक आ जाता है, कई बार अंजाइना होता है, तो उसमें फिर स्टंट लगाना पड़ता है. जब भी स्टंट लगाने से पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत पेन का मेडिसिन भी दिया जाती है ताकि आपको रिलैक्स हो जाओ. खून पतला करने की दवाएं दी जाती है, खून पतला करने के इंजेक्शन दिए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर ये जो क्लॉट है ये टूट टूट के निकलेगा थोड़ा बहुत, तो वो खोलना चाहिए. और स्टंट के अंदर जब भी हम कहाँ फॉरेन ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो वहाँ पर भी क्लॉटिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, तो ब्लड थोड़ा पतला यानी क्लॉटिंग एबिलिटी कम चाहिए, तो ब्लड थिनर्स रहेंगे आपके. और आपको टेबल पे लिटा के आपके आर्टरी में या तो हाथ में या पैर में कैथेटर, एक कैथेटर डाला जाता है आपके कैथेटर में, और ये कैथेटर फिर आपके जाता है हार्ट के एकदम पास, वहां से फिर एक ट्यूब डाली जाती है, डाई डाला जाता है कलरिंग सब्सटेंस, जिससे कि खून की नसें दिखती हैं. एंजियोग्राफी होती है, एंजियोग्राफी से पता चलता है कहाँ कितना ब्लॉकेज है हार्ट के अंदर. वो ब्लॉकेज देखने के बाद डिसाइड किया जाता है, मान लो एक जगह, दो जगह, तीन जगह, दस जगह, क्योंकि हार्ट में तो पूरा पेड़ है, हार्ट में खून की नसों का ऐसा पूरा पेड़ होता है. अब ये पेड़ में कहाँ ब्लॉकेज है ये सोचना, फिर ब्लॉकेज जितनी मोटी डंगाल मोटी ब्रांच में है, मोटी मोटी ब्रांचेज में ब्लॉकेज है उसको तो खोलना पड़ेगा, माइनर माइनर ब्रांचेज में कोने में जाके ब्लॉकेज है उसको खोलने की जरूरत नहीं है. जिनको खोलना है, जो 70% से ऊपर ब्लॉकेजेस हैं तो उसको ज़्यादातर खोला जाता है 70-75% के ऊपर, 70% के नीचे ब्लॉकेज है तो उसको खोलने की ज़रूरत नहीं होती है. दवाइयों पे रखते हैं, ब्लड थिनर्स पे, डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी जिसको हम कहते हैं, दो एंटीप्लेटलेट, दो ब्लड थिनर दिए जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी जाती है, और जिसमें खोलना पड़ता है उसके उस ब्लॉकेज के आर पार गाइड वायर डाला जाता है, वो गाइड वायर के ऊपर से बलून डाला जाता है, वो बलून डाल के बलून फुलाया जाता है, तो बलून से वो फूल जाता है, फिर उसके बाद बलून निकाल के स्टंट डाल के स्टंट फुला दिया जाता है, फिर स्टलून पे बलून डाल के बरोबर से खोल दिया जाता है. तो इस तरह से एंजियोप्लास्टी हो जाती है, इन्फ्लेट किया जाता है, इस तरह से स्टंट लगा दिया जाता है जब भी आपको होता है. अब जो लग रहे हैं ड्रग एल्यूटिंग स्टंट लग रहे हैं आज के डेट में, मोस्टली सारी दुनिया में ही ड्रग एल्यूटिंग स्टंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं बिना ब्लॉक हुए, अगर आप बशर्ते पहले 3 से 6 महीने सही दवा खाते रहें, क्योंकि वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है. तो पहले 3 से 6 महीने आपको बिल्कुल एक भी गोली मिस नहीं करनी है, कंपलसरी. आगे भी कई लोगों को दवाई खानी पड़ेगी जिंदगी भर या लंबे समय तक, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस. क्यों लगेंगे स्टंट? ब्लॉकेज हो गई, हार्ट अटैक ना हो जाए इसलिए, हार्ट अटैक हो रहा है जान बचाने के लिए, और अगर एंजाइना हो रहा है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, हार्ट का फंक्शन कम हो रहा है, हार्ट का फंक्शन बेटर करने के लिए, क्योंकि खून ज़्यादा जाएगा तो फंक्शन बेटर हो सकता है. और अगर मान लीजिए चलने फिरने पर छाती में भारीपन होता है, सांस फूल रहा है, तो आपको हो रहा है एंजाइना, एंजाइना के लिए भी फिर एंजियोग्राफी होती है, छल्ले लगते हैं, स्टेंट लगते हैं. और अगर ऐसी ब्लॉकेजेस, ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, 3-4 नसों में ब्लॉकेजेस हैं, मेन मेन नसों में, या फिर जड़ में ही ब्लॉकेज है, लेफ्ट मेन की जो जड़ होती है उसमें ही बड़ा खतरनाक ब्लॉकेज है, तो फिर बाईपास होती है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी. बाईपास सर्जरी अपने आप में एक दूसरी चीज़ हो गई. स्टंट लगाने का अपने आप में कई सारे रिस्क भी होते हैं, जैसे हमने कहा वहाँ पर भी ऑब्वियसली डाई डालते हैं, डाई से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, कई बार ब्लीडिंग हो सकती है, क्लॉटिंग हो सकती है, खून बह सकता है, हार्ट के अंदर ऑब्वियसली रिस्क होता है, अटैक आने का रिस्क होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर नहीं करते हैं उसी केस में करते हैं स्टंटिंग जिसमें अटैक आ सकता है,
तो ऐसे कि पेशेंट जिनमें खुद भी अटैक आ सकता है उसमें खोलने का रिस्क हो, उसमें खोलने का फायदा होता है कि आपका हार्ट अटैक का रिस्क जो है ना के बराबर हो जाता है, लेकिन हाँ फिर भी रिस्क रहता है। किडनी फेलियर होने का रिस्क होता है, डाई से इरेगुलर हार्ट बीट या स्ट्रोक होने का रिस्क रहता है, लेकिन ये रेयर हैं ये सारे रिस्क, जितना फायदा उससे काफी सारे कम रिस्क हैं। याद रखिए ऑपरेशन से पहले आपको फ्लूइड्स दिए जाएंगे, एक रात पहले या कुछ घंटे पहले खाना पीना बंद किया जाएगा, और फ्लूइड इसलिए देते हैं कि पूरी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, किडनी के अंदर से प्रॉपर यूरिन निकल सके, और कुछ बेसिक टेस्ट किए जाएंगे जिसमें आपके किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, आपका प्लेटलेट काउंट्स पता होना चाहिए, आपका वायरल मार्कर्स राइट, एचआईवी, एचबीएस, एजी, एचसीवी, टाइटर्स पता होने चाहिए, कई बार चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी भी पहले किए जाने चाहिए कायदे से। तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी से पहले ये होता है, और उसके बाद में 6 से 8 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है, और अगर कोई दवा आप ले रहे हो तो आपको अपने डॉक्टर से बतानी है, और वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आप वो दवाई बंद करेंगे या नहीं। मेटफॉर्मिन जरूर दवा ऐसी है जो एंजियोग्राफी से पहले या एंजियोप्लास्टी से पहले बंद कर दी जाती है, मेटफॉर्मिन शुगर की दवा है, कई बार उसके साथ में लैक्टिक एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए बंद की जाती है, और टेम्पररीली शुगर वाले पेशेंट्स को इंसुलिन पे डाल दिया जाता है जो लोग हार्ट का ऑपरेशन या स्टंटिंग या एंजियोग्राफी के लिए आए होते हैं। अगर आप किसी भी दवा से एलर्जिक हैं, किसी भी चीज से एलर्जी, आयोडीन से एलर्जी है तो जरूर बताना है, क्योंकि डाई में आयोडीन होती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन के बाद यानी सर्जरी के बाद, एक तरीके की सर्जरी ही है ये, उसके बाद देखो इसमें सर्जरी में कोई काटा पीटी नहीं होती, कोई बेहोश नहीं किया जाता, कोई मेजर टांके नहीं लगते, सिर्फ एक सुई लगती है, वो सुई मोटी सी सुई से के थ्रू ही तार डाल के, ट्यूब डाल के, सब कुछ सुई से होता है, या तो हाथ से या तो पैर से सुई डाल के, और बाद में वो सुई जब निकालते हैं तो उसको कुछ देर के लिए दबा के रखना पड़ता है, और वो पैर या हाथ को स्ट्रेट रखना पड़ता है वो, ताकि वो कि मोटी सुई का मोटा छेद, ऊपर से हमने खून पतला करने की दवाई दी होती हैं तो वहां पर ब्लीडिंग और उसके रिस्क होते हैं, तो उसको बंद करने का इसलिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है कई बार, कुछ घंटों के लिए या 1-2 दिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन, अगर छल्ला लगा है तो 3 दिन 4 दिन का स्टे होता है, अगर सिर्फ एंजियोग्राफी हुई है तो कुछ घंटे, हाथ से हुई है तो कुछ घंटे में डिस्चार्ज हो सकता है, पैर से हुई है तो कम से कम 6 घंटे 8 घंटे रुकना पड़ता है, पैर नहीं हिलाना पड़ता है, ये सारी चीजें जरूरी है। पोस्ट प्लास्टिक का जो केयर होता है, दवाइयां बहुत जरूरी हैं, दवाइयों के डोजेज समझने जरूरी हैं, डॉक्टर से अपनी क्षमता समझनी जरूरी है। एक हमारा वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब पे, हाउ टू लिव आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ आफ्टर एंजियोप्लास्टी, उसमें बताया है कि एंजियोप्लास्टी के दिन, एंजियोप्लास्टी के अगले दिन, 1 हफ्ते बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, वो वीडियो भी जरूर देखें और शेयर करें सभी को भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब आप शेयर करोगे, लाइक करोगे तो ही रेकमेंड की जाएगी यूट्यूब द्वारा या किसी भी द्वारा, हमारे जब रेटिंग बढ़ेंगे। एंजियोप्लास्टी स्टंट लगाने के बाद में खून की नसों में ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है, तो हार्ट के अंदर इंप्रूवमेंट देखा जाता है, हार्ट के पेन जो हो रहे हैं, सांस जो फूल रहा है वो गायब हो जाता है, दिक्कतें कम हो जाती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है जो दुनिया में आई हुई है। और एंजियोप्लास्टी याद रखिए ये ब्लॉकेज हटा देती है, लेकिन ब्लॉकेज जो हुआ है उसका कारण नहीं हटाती। अगर आपके ब्लॉकेज आपके स्मोकिंग के वजह से, आपकी बैड लाइफस्टाइल के वजह से, आपके जेनेटिक्स के वजह से, या आपके ओबेसिटी, डायबिटीज के वजह से हुई है, एक बार हुई है, तो एक जगह से ब्लॉकेज हटा देने से, एक जगह स्टेंट लगा देने से आगे भी गारंटी नहीं हो जाती कि आपको दूसरी जगह ब्लॉकेज नहीं होगी। आपको मूल कारण, आपके रिस्क फैक्टर, आपके लाइफस्टाइल, आपके इन सारे फैक्टर्स को, स्मोकिंग, डायबिटीज, मोटापा, एक्सरसाइज करना, नींद सही रहनी, स्ट्रेस कम लेना, कोलेस्ट्रॉल कम रखना, ये सारी चीजों पे, ब्लड प्रेशर कम रखना, इन सब पे काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करते हो अपने डॉक्टर के साथ तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको फिर ब्लॉकेज होगा, फिर अटैक आएगा, फिर छल्ला लगेगा, इसलिए किसी के एक के बाद एक के बाद एक छल्ला लगता है, लोगों को लगता है छल्ले की गलती है, एंजियोप्लास्टी की गलती है, डॉक्टर की गलती है, खुद की गलती कोई नहीं दिखता, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझोगे बीमारी तो पता चलेगा कहाँ गलती है। नेचुरल बाईपास नाम की भी एक चीज होती है,
वो उन लोगों में होती है जिनकी बीमारी धीरे धीरे हो रही है, जो ये पांच चीजें मैनेज करते हैं और एक्सरसाइज करते रहते हैं। अगर ये पांच छह चीजें रिस्क फैक्टर्स आप मैनेज करोगे, तब भी आप में और मुझ में सभी में ब्लॉकेज होने ही होने हैं। ये कुदरत का कायदा है, एक उम्र के बाद कुछ हद तक ब्लॉकेजेस सब में होंगे, लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज रेगुलर लाइफस्टाइल करते रहोगे तो एक नस ब्लॉक होगी तो बगल वाली खुल जाएगी। वो नेचुरल बाईपास है, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते उनकी नेचुरल बाईपास नहीं खुलती, उनको हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक नेचुरल बाईपास बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करके, उसके बारे में भी आप हमारा डिटेल वीडियो जरूर देखें और शेयर जरूर करना है भाई साहब, लाइक जरूर करना है, पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो और शेयर करो, शेयर जरूर करो बस। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।